हेलो एवरीवन, आज से शुरू हो रहा है हमारा सांदकफू फालो ट्रैक सीरीज। हम होप करते हैं इस सीरीज को देखने के बाद आप खुद से ही बिना किसी के मदद से सांदकफू फालो ट्रैक आसानी से अरेंज कर सकते हो। तो हमारे साथ रहिए और इस सीरीज को एंजॉय करते रहिए। और इस पार्ट में हम दिखाएंगे हमारा जर्नी का फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एक्सप्लोर विद अस। में अभी टाइम है 9 बजे और हम हैं सियालदह रेलवे स्टेशन पे। हम जा रहे हैं सांदकफू फालो ट्रैक करने के लिए और हमारा ट्रेन है 10 बजे दार्जिलिंग मेल, जो कल सुबह 8 बजे के अंदर न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पे हमें पहुंचा देगा। अभी स्टेशन पे ट्रेन आया नहीं है, थोड़ा वेट करते हैं और हमारे साथ रहिए हमारे जर्नी देखने के लिए। ट्रेन नंबर 12343 दार्जिलिंग मेल स्टेशन पे आ गया है। सांदकफू फालो ट्रैक के लिए हम इतना ही एक्साइटेड है कि ट्रेन रुकने से पहले हम बैग लेके रेडी हो गए ट्रेन में चढ़ने के लिए। हमारा कोच है S3, तो चलिए जल्दी जल्दी चढ़ जाते हैं। ट्रेन में चढ़ते ही हर बार की तरह इस बार भी जल्दी जल्दी सीट ढूंढने का कॉम्पिटिशन में लग गए। थोड़ी सी भाग दौड़ के बाद हम फाइनली सीट पे बैठ गए और हमारा ट्रेन भी एकदम सही टाइम पे छोड़ दिया। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पे। गुड मॉर्निंग, अभी टाइम है 8:17 और अभी हम पहुंच गए हैं न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन में। अभी हम जाने वाले हैं जहाँ से हम ट्रेक शुरू करने वाले हैं, वो जगह का नाम है गुडुम विलेज। फिलहाल अभी चलते हैं, रास्ते में जाते जाते बताते हैं। हम आ गए हैं स्टेशन के बाहर। फिलहाल हम ढूंढेंगे गाड़ी, जो गाड़ी हम पहले से रिजर्व करके रखे थे। थोड़ी देर ढूंढने के बाद हमारा गाड़ी हमें मिल गई। ये है माने भैया, जो हमारे गाड़ी का पायलट है। NGP टू गुरदुम रिजर्व गाड़ी फेयर लगा 4500, लेकिन आप चाहे तो बर्गेन भी कर सकते हो। हम अभी स्टेशन के बाहर सुमो स्टैंड पे हैं और हमारा गाड़ी ऑलरेडी रिजर्व था, तो अभी रिजर्व गाड़ी से ही चलते हैं। चलिए। सांदकफू ट्रैक नॉर्मली शुरू होता है मानेवंजन से। इंडो नेपाल बॉर्डर पे लोकेटेड है मानेवंजन। मानेवंजन का नियरेस्ट एयरपोर्ट है बागडोगरा एयरपोर्ट और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है NGP। इस ट्रैक को हम मानेवंजन से नहीं, थोड़ा ऑफ बीट जगह से शुरू करेंगे, जो है गुरदुम विलेज। मानेवंजन से गुरदुम का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। अभी हम रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए एक रोड साइड ढाबा पे, जो हमें रेकमेंड किया है हमारा पायलट माने धाजू। इस ट्रैक में हमारे साथ कुछ मस्तीखोर लोग भी हैं, जो इस जर्नी को और भी मजेदार बना रहे हैं। पूरी सीरीज में हम सब लोग मिल के मस्ती करेंगे, तो चलिए आप लोगों को उनसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये है शोमदा, ये है पोटोलदा और ये शाहिददा, और हमारे ट्रैक का सबसे जूनियर मेंबर अमूर्तो। इस जर्नी में हमारे साथ और 2 भैया भी ऐड होंगे सांदकफू से। हमारा ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट खत्म, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बार हम गुरदुम में सेकेंड टाइम जा रहे हैं। लास्ट टाइम हम गुरदुम आए थे नॉर्मली घूमने के लिए और इस बार गुरदुम से हम सांदकफू फालो ट्रैक स्टार्ट करेंगे। गुरदुम लोकल ट्रांसपोर्ट से कैसे पहुंच सकते हो, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन हेवन ऑफ वेस्ट बंगाल गुरदुम Part 1 में दिया हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लास्ट टाइम जब गुरदुम गए थे तब हम रोहिणी रोड से गए थे, लेकिन इस बार हम जाएंगे मिरिक रोड होके और इस टाइम आपको मिरिक रोड की खूबसूरती दिखाएंगे। रास्ते से जाते जाते हमें तीस्ता तोरशा का बहुत अच्छा व्यू मिला, तो हम थोड़ा रुक गए यहाँ पे। मिरिक रोड से जाएंगे तो रोड के दोनों साइड पे आपको टी गार्डन का खूबसूरत व्यू देखने को मिलेगा।
अभी हम पशुपति से 6 किलोमीटर दूर है और अभी थोड़ा रुके हैं पानी लेने के लिए। ये है गोपालधारा टी स्टेट और यहाँ से ये है व्यू। इस तरफ है पशुपति। पानी लेते वक्त शॉपकीपर आंटी से पता चला यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है, तो चलिए देखते हैं। वो दिखाई दे रहा है रोड और वहां से यहाँ पे 2 मिनट वॉक करके आया और इधर से बहुत ही ब्यूटीफुल नजारा दिखाई दे रहा है। दूर जो घर दिखाई दे रहा है वो है नेपाल में और हम हैं इंडिया में। हम पहुंच गए पशुपति नगर जो लोकेटेड है इंडो नेपाल बॉर्डर पे। रोड के बाई तरफ आप देख सकते हो इंडिया नेपाल बॉर्डर चेक पोस्ट पशुपति फाटक। मेरी रोड पकड़ के जाएंगे तो आपको कुछ डिस्टेंस तक इंडो नेपाल बॉर्डर दिखेगा, जैसे कि हमारा लेफ्ट साइड में है नेपाल और हम जा रहे हैं इंडिया के साइड से। अभी हम जिस जगह से क्रॉस कर रहे हैं वो जगह का नाम है शिमाना। ब्यूटीफुल नेचर और इंडो नेपाल बॉर्डर देखते देखते हम फाइनली पहुंच गए हैं मानेवंजन। ये है मानेवंजन लैंड रोवर एसोसिएशन। अगर आप संदकफू फालूट गाड़ी में जाना चाहते हो तो यहाँ से लैंड रोवर या फिर बुलेरो रिजर्व करना होगा। काउंटर सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ओपन रहता है। लैंड रोवर और बुलेरो का फेयर सेम ही है, लेकिन संदकफू फालूट का रोड खराब होने की वजह से जार्किंग बहुत ज्यादा होता है। कहीं कहीं पे तो आपको रोलर कोस्टर का याद आ जाएगा। लैंड रोवर के कंपैरिजन में बुलेरो में थोड़ा कम जर्किंग होगा। अगर आपके पास खुद का गाड़ी है तो आप खुद का गाड़ी से नहीं जा सकते हो, आपको यही से गाड़ी लेना होगा। लेफ्ट साइड वाला रोड जा रहा है सांदकफू और राइट साइड वाला रास्ते से हम जाने वाले हैं गुरदुम। और ये है मानेवंजन सिंगलीला नेशनल पार्क चेक पोस्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं गुरदुम विलेज की तरफ। दूर जो गांव दिखाई दे रहा है वही है हमारा डेस्टिनेशन गुरदुम विलेज। एनजीपी से अप्रोक्स 5 घंटा जर्नी करके हम पहुंच गए हैं हेवन ऑफ वेस्ट बंगाल गुरदुम में। अभी हम गुरदुम विलेज पहुंच गए हैं और आज हम गुरदुम विलेज में स्टे करने वाले हैं और कल से शुरू होगा हमारा ट्रेक। चलिए आपको गुरदुम विलेज घुमाते हैं और आज गुरदुम विलेज में क्या क्या करेंगे वो दिखाते हैं। ये है खलिंग होमस्टे, यहाँ पे हम रहने वाले हैं आज। यहाँ पे आते ही हमें लगा कोई दूसरा दुनिया पे आ गए हैं। बहुत ही शांत जगह है, यहाँ पे कोई पोल्यूशन नहीं है, नीट एंड क्लीन है। गाड़ी का हॉर्न का साउंड भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ झरना, हवा और पंछी का आवाज मिलेगा। इसके साथ एक कप गर्म दार्जिलिंग टी और सामने ऐसा नजारा, तो जिंदगी से और क्या चाहिए। ये है खलिंग होमस्टे, चलिए आपको खलिंग होमस्टे का टूर करवाते हैं। ये है होमस्टे का बेल्कोनी से व्यू। दो बेड है, 4 लोग रह सकता है। ये वाला और एक रूम है, 2 लोग रह सकते हैं इधर।
और इस रूम का ये है वॉशरूम, ये वाला और एक रूम है जो अभी बना नहीं है। इस होमस्टे में फूडिंग और लॉजिंग पर डे पर पर्सन 1200 रुपए। यहाँ पे आप टेंट पे भी रह सकते हो। इस होमस्टे का ओनर मिस्टर प्रकाश राय का नंबर हमने स्क्रीन पे दे दी है। दूर वो वाला जगह दार्जिलिंग है। ये है नीचे का फ्लोर। यहाँ पे बैठने के लिए सोफा है, एक बेड, ये वाला एक बेड। इस होमस्टे का खास बात ये है, आप होमस्टे के अंदर बैठ के बाहर का व्यू एंजॉय कर सकते हो। ऐसा ब्रेथ टेकिंग व्यू देखना नसीब का कमाल है। और ऐसा व्यू देखते देखते नेचर के बीच नहाने का कुछ अलग ही मजे है। अगर आप भी ये फील करना चाहते हो तो आपको भी यहाँ पे आना होगा। नहाने के बाद हम आ गए हैं कुर्दुम खलिंग होमस्टे का किचन पे लंच करने के लिए। लंच में है राइस, दाल, एक करी, सब्जी, पापड़ और सलाद। एक साथ बैठ के खाना और वो भी एक ऐसे व्यू के सामने लाइफ का एक मेमोरेबल मोमेंट बन जाता है। लंच के बाद हम निकले विलेज को थोड़ा एक्सप्लोर करने। यहाँ पे वेदर फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहता है। आते वक्त धूप था, कुछ देर पहले थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा था, अभी चारों तरफ फॉग से ढका हुआ है। फिलहाल ठंडा उतना ज्यादा नहीं है। नीचे दिखाई दे रहा है छोटा सा गुरदुम विलेज। इस गांव में टोटल 25 फैमिली रहते हैं। ये है गुरदुम का विंटर का नजारा। गुरदुम में आप विंटर में आएंगे तो आपको स्नोफॉल भी मिल सकता है, कुछ ऐसा। फिलहाल विंटर नहीं है इसलिए चारों तरफ ग्रीनरी है। अभी टाइम है 6 बजे और गुरदुम विलेज का आसपास घूम के फिर से हम खलिंग होमस्टे में लौट आए हैं। और ये है व्यू इवनिंग का। प्रकाश भाई, रात का मेनू क्या है? रात का मेनू सब्जी भात, लेकिन बना तो रहे चिकन फ्राई। और अभी के लिए चिकन खाए तो वो खाएगा बोला ना दारू के साथ। चिकन तावा फ्राई खाने के बाद अभी हम जा रहे हैं बोन फायर करने। यहाँ पे आके बोन फायर करना इज ए मस्ट ट्राई एक्सपीरियंस। अगर यहाँ आ रहे हो तो ये वाला एक्सपीरियंस मिस मत करना। डिनर करने के लिए प्रकाश भाई का बुलावा आया तो अभी हम जा रहे हैं डिनर करने। डिनर का मेनू है इसमें राइस, इसमें चिकन, इसमें दाल, ओके, सलाद। ये है रात का डिनर। और पापड़ बनाएगा। पापड़ बनाएगा। सुंदर मटन का टेस्ट है कैसा? ना ना मुझे दी नहीं तो। हमारा जर्नी का फर्स्ट डे यहीं पे खत्म होता है। कल से हमारा ट्रेक शुरू होने वाला है तो अभी हमें रेस्ट लेना चाहिए ताकि हम कल ट्रेक के लिए खुद को प्रिपेयर कर पाए। गुड नाइट। गुड नाइट।